हिंदुस्तान का कानून और यहाँ का समाज ये कहता है एक व्यक्ति एक शादी यानी एकल विवाह। किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और कानून भी यही कहता है, लेकिन कुछ विरले ऐसे भी होते हैं जिनकी दो शादियां हो चुकी हैं और दोनों या तो दो पतियों के साथ एक पत्नी रह रही होती है या एक पति के साथ दो पत्नियां रह रही होती हैं, लेकिन ये सब सहमति से होता है। ज़्यादातर ऐसे मामले आदिवासी इलाकों से सामने आते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा एक मामला सामने आया है जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और इसके बाद पूरे इलाके में चर्चा बनी हुई है। दरअसल यूपी के हमीरपुर जिले में मंगलवार को एक नवविवाहिता ने अजीबोगरीब डिमांड रख दी और वो भी पुलिस के सामने। इस डिमांड को रखते हुए कोतवाली में उसने जमकर हंगामा किया। सीओ और इंस्पेक्टर के सामने कोतवाली पर खूब हंगामा होता रहा। महिला सिपाहियों के समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थी। दुल्हन के लिबास में पहुंची युवती ने हाथापाई करते हुए सिपाही का मोबाइल फोन तक तोड़ दिया। इस घटना से कोतवाली में एक तरफ अफरा तफरी मच गई, वहीं दूसरी तरफ युवती की डिमांड सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि युवती अपने पति के साथ अपने प्रेमी को भी रखना चाह रही थी। जी हाँ, यानी प्रेमी और पति उसके साथ रहें, ऐसी उसकी डिमांड थी। युवती की डिमांड से पहले उसके परिजन भी परेशान थे। वहीं पुलिस के सामने जब ये मामला सामने आया तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा और मौके पर परिजनों को भी बुला लिया गया। आसपास की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इस वाकये का एक वीडियो भी सामने आया है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वीडियो हमीरपुर जिले की कोतवाली का है, जहां पर दुल्हन बनी युवती लगातार हंगामा कर रही है और जोर जोर से चिल्ला रही थी। दरअसल हमीरपुर जिले के राठ थाना कोतवाली के बसेला गांव निवासी एक युवक की शादी पिछले साल 22 फरवरी को झांसी जिले के चिरगांव में एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद भी युवती अपने प्रेमी से फ़ोन पर लगातार टच में बनी हुई थी। युवती के प्रेमी उरई जालौन में रहता है और ये बताया जा रहा है कि उसकी जाति पिछड़ी है। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही वो लगातार फ़ोन पर दुल्हन और प्रेमी बात कर रहे थे और इसी दौरान दोनों में तय हुआ कि वो साथ भाग चलते हैं। इसी के तहत दुल्हन राठ कस्बा पहुंची थी और वो वरमाला लेकर कोतवाली अपने प्रेमी के साथ पहुंच गई, जहां पर उसने हंगामा शुरू कर दिया। युवती ने सीओ और थाना प्रभारी के सामने ही अजीबोगरीब डिमांड रखनी शुरू कर दी। युवती ने पहले कहा कि उसे प्रेमी के साथ शादी करनी है। इसी बीच जब परिजन पहुँच गए तो वो युवक भड़क गई। उसने कोतवाली में अधिकारियों के सामने ही फिर से हंगामा शुरू कर दिया। वो अपने पति के अलावा प्रेमी को भी साथ रखने की जिद पर अड़ गई। युवती के हंगामे से कोतवाली में अफरा तफरी मची रही। कोतवाली में दुल्हन के लिबास में हंगामा करने के दौरान युवती को खूब समझाने की कोशिश की गई। इस दौरान झीना झपटी भी हुई। वो कई बार महिला सिपाहियों के ऊपर लिपट गई। इस दौरान एक महिला सिपाही का फोन तक टूट गया। महिला सिपाहियों से वो हाथापाई करने तक में उतारू थी। परिजनों ने बाद में किसी तरह युवती को काबू में किया और युवती के पति ने बताया कि इसने अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद कर रखी। अब वो ये चाहती है कि पति के अलावा उसका प्रेमी भी उसके साथ रहे। वहीं थाना प्रभारी राठ भरत कुमार ने ये बताया है कि युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं, उसे फिलहाल परिजनों के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे हंगामे में किसी प्रकार की कोई तहरीर न मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन ये युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है और ऐसे करने की इजाज़त समाज और परिवार वाले उस युवती को कैसे देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।